हेलो स्टूडेंट्स वी आर स्टडीइंग नाउ इन्वायरमेंटल स्टडीज स्टैंडर्ड थ्री चैप्टर नंबर वन आवर इन्वायरमेंट कैन यू टेल क्या तुम बता सकते हो लुक एट द पिक्चर अलोंग साइड यू कैन इजीली नेम ऑल दिस थिंग्स इन पिक्चर्स को देखकर तुम तो उसके नेम्स इजीली बता सकते हो वॉट मटेरियल्स आर दे मेड फ्राम और ये किन मटेरियल से बना है

वे डू डू वी फाइंड दैम वॉट आर दे यूज फॉर हम इनको कहा ये सारी चीजें हमें कहाँ मिलेंगी कहाँ ढूंढ सकेंगे हम इन सारी चीजों को वॉट आर दे यूज फॉर और इनके क्या क्या यूजेज हैं टेक अ लुक अराउंड अब यहां पर हमें देखना है हमें यहाँ पर क्या क्या दिखाई दे रहा है ट्री ग्रास स्टोन्स रॉक रैबिट और बहुत सारी चीजें हमें यहां दिख रही है देर आर मैनी थिंग्स अराउंड अस हमारे आसपास में क्या है बहुत सारी चीजें हैं दे फॉर्म आवर एन्वायरमेंट उससे क्या होता है हमारा इन्वायरमेंट बनता है देर आर स्टोन्स एंड रॉक एंड सॉइल और वहां पर क्या क्या है पत्थर भी है बड़े पत्थर भी है रॉक मीन्स जो बड़े बड़े पत्थर होते है और सॉइल भी है देर आर रिवर एंड स्ट्रीम्स एंड लेक यहाँ पर रिवर भी है तालाब भी है स्ट्रीम्स भी है नदियां भी है और लेक्स भी है देर इज एयर देर आर हील्स एंड माउंटेन और हवा भी है माउंटेन्स भी है देर आर जंगल्स जंगल भी है देर आर फील्ड एंड हाउसेस एंड रोड्स एंड ऑल्सो बैरिनलैंड और क्या है हरी भरी जमीने भी है और बंजर जमीने भी है वी ऑल्सो सी मैनी डिफरेंट एनिमल्स अराउंड अस और इसी के साथ साथ हम लोग बहुत सारे डिफरेंट एनिमल्स को भी देखते हैं

मेक अवर एनवायरमेंट ब्यूटीफुल और इन सारी चीजों को मिलकर ही क्या होता है हमारा एन्वायरमेंट ब्यूटिफुल बनता है वी टू आर अ पार्ट ऑफ दिस एन्वायरमेंट और हम सब भी क्या है इसी एन्वायरमेंट का एक पार्ट है हिस्सा है टर्नियर पेज अ स्पैरो एंड अ रोड साइड स्टोन अब यहां पर क्या है स्पैरो एंड रोड साइड स्टोन Now let us look at a stone and a sparrow in our surrounding and compare them. हमें हमारे surrounding में हमारे आसपास में हमें stone भी दिखाई देता है, sparrow भी दिखाई देती है। अब इनको हमें क्या करना है? Compare करना है, एक दूसरे से। A stone remains where it is. It place change only if it place change Only if someone pick it up and move it. ये जो स्टोन होता है ये हमेशा अपनी जगह पर ही रहता है हिलता नहीं है जब तक के कोई उसे उठाकर एक जगह से दूसरी जगह ना रख दे जब तक ये स्टोन क्या होता है वहीं पर पड़ा रहता है इट डजेंट इट और स्टोन कुछ खाता भी नहीं है सो इट डजेंट ग्रो बिगर और वो कुछ भी नहीं खाता है जिसकी वजह से वो बड़ा भी नहीं होता है इट डजेंट हैव बेबीज इधर और ना तो उसके कोई बच्चे होते हैं कोई बेबीज नहीं होते उसके स्टोन के इट्स नॉट द सेम विथ स्पैरो स्पैरो की तरह सेम नहीं है दे बिल्ड नेस्ट स्पैरो क्या करती है नेस्ट बनाती है स्पैरो नेस्ट को बनाती है दे मूव हेयर एंड देर और वो क्या होता है स्पैरो क्या होती है एक जगह से दूसरी जगह जाती है ऑन देअर ओन उसको वो खुद से ही एक जगह से दूसरी जगह जाती है उसे एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने की जरूरत नहीं पड़ती दे ईट इंसेक्ट्स एंड ग्रेन्स वो क्या खाते हैं इंसेक्ट्स वो जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो उसको खाते हैं और ग्रेन्स ये दाना दाने खाते हैं ना उन लोग देट इज वाई दे ग्रो जिसकी वजह से वो क्या होते है बड़े होते हैं दे ले एक्स इन नेस्ट और वो अपने अंडे कहा पर देती है नेस्ट में लिटिल स्पैरो स्पैरोज हैच फ्रॉम द एक्स और जो ये छोटी छोटी स्पैरोज है वो कहाँ से आती है अंडे में से आती है स्पैरो टेक अलॉट ऑफ केयर ऑफ देयर यंग वंस और जो स्पैरोज होती है वो अपने बेबीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखती है वाई डू वी सी दिस डिफरेंसेज बिटवीन द स्पैरो एंड द स्टोन द स्पैरो इज अ लिविंग थिंग एंड दोन इज अ नॉन लिविंग थिंग स्टोन क्या है नॉन लिविंग थिंग है वो तो दूसरी जगह जाता है ना वो बड़ा होता है मगर स्पैरो क्या है वो लिविंग थिंग है वो एक जगह से दूसरी जगह भी जाती है और कुछ खुद से खाती भी है और अपना घर भी बनाती है लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग लिविंग थिंग्स आर ऑफ टू काइंड काइंड प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग थिंग्स क्या है टू टाइप के है प्लांट्स एंड एनिमल्स animals have babies and seedlings grow from seed animals ke paas kya hota hai animals ke kya hote hain babies hote hain and seedlings grow from seeds the seedlings the, the seedlings then grow into plants this tell us that plants are living thing और जो क्या होती है ये जो सीड्स होती है जब वो जमीन के अंदर जाती है तो उसके बाद क्या होता है वो ग्रो होती है बढ़ने लगती है और उसके बाद वो क्या बन जाती है प्लांट बन जाती है दिस टैलस दैट प्लांट्स आर लिविंग थिंग और प्लांट क्या होता है पहले छोटा होता है फिर बड़ा होता है और बहुत बड़ा ट्री भी बन जाता है तो इससे हम लोगों को क्या पता चल रहा है कि प्लांट्स भी क्या है लिविंग थिंग है प्लांट्स टू मूव फॉर एग्जाम्पल वेन अ बट ब्लूम्स इन टू अ फ्लावर इट्स पेटल्स ओपन प्लांट्स भी क्या करते हैं मूव होते हैं हरकत करते हैं फॉर एग्जाम्पल वेन अ बट ब्लूम्स इन टू अ फ्लावर जैसे जो कली रहती है वो बाद में जाके क्या बन जाती है फूल बन जाती है इट्स पेटल्स ओपन और उसकी जो कलियाँ रहती है वो खिलने लगती हैं बट मोमेंट्स ऑफ प्लांट्स आर नॉट सो इजीली सीन लेकिन जो मोमेंट्स होती है प्लांट्स की वो हम लोग इजीली नहीं देख पाते हैं क्योंकि वो बहुत धीरे, धीरे 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 बड़े होते हैं प्लांट्स ऑल्सो नीड फूड और प्लांट्स को भी क्या होती है फूड की जरूरत होती है खाने की जरूरत होती है अफकोर्स प्लांट्स डू नॉट मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस लाइक एनिमल्स डू प्लांट्स एनिमल्स की तरह एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते अफकोर्स प्लांट्स डू नॉट मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस लाइक एनिमल्स डू प्लांट्स एनिमल्स की तरह एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते देर रूट्स होल्ड दैम डाउन इन वन प्लेस उनके जो रूट्स होती है वो उनको नीचे से होल्ड करके रखती है उन्हें पकड़ कर रखती है दिस इज अग डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल और ये जो जो डिफरेंट है ये एक बहुत बड़ा डिफरेंट है प्लांट्स एंड एनिमल्स बीच में थिंग्स इन आवर सराउंडिंग हमारे आसपास में कौन कौन सी चीजें हैं लिविंग एंड नॉन लिविंग लिविंग थिंग यानी जो मूवमेंट करती है जो खाती है एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है और नॉन लिविंग थिंग नॉन लिविंग थिंग्स मीन्स स्टोन जो बड़ा भी नहीं होता और एक जगह से दूसरी जगह मूव भी नहीं करता एनिमल्स लिविंग थिंग्स क्या क्या है एनिमल्स एंड प्लांट्स कैन यू टेल क्या तुम बता सकते हो आर द थिंग्स इन दिस पिक्चर लिविंग और नॉन लिविंग इन पिक्चर्स में जो चीजें हैं वो लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग है इफ इट इज अ लिविंग थिंग इज इट प्लांट और एन एनिमल और अगर ये लिविंग थिंग्स है तो ये प्लांट है या एनिमल है ट्री प्लांट है रेबिट एनिमल है फ्रॉक एनिमल है गैस सिलेंडर नॉन लिविंग थिंग ग्लास नॉन लिविंग थिंग प्लांट दिस इज प्लांट सो दिस इज लिविंग थिंग नॉन लिविंग थिंग लिविंग थिंग यूज येन पावर और रेलवे इंजन गोज टू एंड फ्रो इज इट लिविंग और नॉन लिविंग रेलवे ट्रेन जो होती है जो हम लोग ट्रैवलिंग के लिए यूज़ करते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह भी जाती है वो चलती भी है तो क्या वो लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग है नॉन लिविंग थिंग है वो कुछ खाती है नहीं खाती वो कुछ पीती है नहीं पीती वो बड़ी होती है नहीं होती तो वो क्या हो गई ट्रेन रेलवे रेलवे इंजन क्या हो गया नॉन लिविंग थिंग वुड कम्स फ्रॉम ट्रीज विच आर लिविंग थिंग ट्रीज क्या है लिविंग थिंग है और उसी से हम लोग क्या लेते हैं वुड्स लकड़ियां लेते हैं अ चेयर इज मेड फ्रॉम वुड एक चेयर है जो लकड़ी से बनी है नाउ इज द चेयर लिविंग और नॉन लिविंग तो अब वो चेयर लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग है नॉन लिविंग थिंग है ना तो वो खुद से इधर उधर जा सकती है ना तो वो कुछ खाती है और ना ही वो बड़ी होती है तो चेयर भी क्या है नॉन लिविंग थिंग है कैन यू टेल क्या तुम बता सकते हो विच बर्ड्स डू यू सी इन योर सराउंडिंग तुम लोगों को अपने आसपास में कौन सी बर्ड्स देखने को मिलती है कैन यू नेम समिंग्स डेट आर मेड फ्रॉम स्टोन क्या तुम कुछ चीजों का नाम बता सकते हो जो स्टोन से बनी होती है द रिलेशनशिप बिट्वीन ऑल थिंग्स इन द इन्वायरमेंट और यह हर चीजों का रिलेशन किस से होता है इन्वायरमेंट से वॉटर एंड एयर आर अ पार्ट ऑफ द इन्वायरमेंट वाटर और एयर ये दोनों क्या होता है पानी और हवा ये दोनों भी क्या है पार्ट ऑफ एनवायरमेंट है एन्वायरमेंट का ही एक हिस्सा है ऑल लिविंग थिंग्स नीड देम और हर लिविंग थिंग को उसकी जरूरत होती है लिविंग थिंग्स आल्सो नीड फूड और जो लिविंग थिंग्स होते हैं उनको खाने की भी जरूरत होती है दे गेट देअ दे गेट देअर फूड फ्रॉम द इन्वायरमेंट और वो अपने फूड को भी कहाँ से लेते हैं उनको अपना खाना भी कहाँ से मिलता है एन्वायरमेंट से ही व्हाट एवर लिविंग थिंग्स नीड टू सरवाइव दे गेट फ्रॉम देयर इन्वायरमेंट जो भी चीज की हम लोगों को जरूरत होती है लिविंग थिंग्स को जरूरत होती है सर्वाइव करने के लिए वो उनको कहाँ से मिलती है एन्वायरमेंट से बर्ड्स बिल्ड बर्ड्स क्या करते हैं घोंसला बनाते हैं नेस्ट दे गेट दिस थिंग्स फ्रॉम द इन्वायरमेंट और वो ये घोसला बनाने के लिए भी नेस्ट बनाने के लिए उन लोग को सामान कहाँ से मिलता है जो चीजें उनको लगती है उनको कहाँ से मिलती है उन लोगों को वो सारी चीजें एन्वायरमेंट से ही मिलती है ह्यूमन बींग्स यूज सो मैनी थिंग्स

जो फैब्रिक होता है इसी की वो टाइप्स होती है वी वेव क्लोथ फ्रॉम देम और हम लोग उससे क्या बनाते हैं कपड़े बनाते हैं फैब्रिक से ही बनते हैं ना तो ये फैब्रिक कितने टाइप्स के आते हैं कॉटन सिल्क एंड वुल ये टाइप के क्या आते हैं कॉटन फैब्रिक्स आते हैं जिससे क्या आता है उन फैब्रिक से ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं अपने कपड़े बनाते हैं क्लोथ्स बनाते हैं वट इज इज लैम्प लैम्प से हम लोगों को क्या मिलता है ऊन मिलता है और फिर वो ऊन का हम लोग क्या करते हैं उससे कपड़े बनाते हैं स्वेटर पहनते हैं वो ऊन से ही बने होते हैं और ये बुक्स बुक्स भी हमें कहाँ से मिलती है बुक्स वुड से बनती है लकड़ी से बनती है वी मेक थिंग्स लाइक मैट्स, बास्केट पेपर फ्रॉम मटेरियल्स इन आवर इन्वायरमेंट हम लोग क्या करते हैं बहुत सारी चीज़ें इन्वायरमेंट से ही लेते हैं और उसे बनाते हैं बकेट बनाते हैं पेपर्स बनाते हैं ये सारी चीज़ें हम लोगों को कहाँ से मिलती है इन्वायरमेंट से ही मिलती है वी बिल्ड हाउस यूजिंग क्ले एंड स्टोन एंड वुड और हम लोग हमारे घर भी बनाते हैं लकड़ी का यूज करके पत्थर का यूज करके क्ले का यूज करके दीज मटेरियल्स टू वी गेट फ्रॉम आवर इन्वायरमेंट और ये सारे मटेरियल्स भी हम लोगों को कहाँ से मिलते हैं इन्वायरमेंट से द सीड्स ऑफ सम प्लांट्स आर स्केटर्ड बाय दाइन्स और कुछ सीड्स uh, बीज होती है प्लांट्स की वो क्या होती है जब हवा चलती है तो वो एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है एज ए रिजल्ट और जिसकी वजह से क्या होता है सीडलिंग ऑफ दोज प्लांट्स ग्रो इन न्यू प्लेस और उसकी वजह से क्या होता है जो प्लांट्स होते हैं वो दूसरी जगह उगने लगते हैं दूसरी जगह ग्रो करने लगते हैं दोज प्लांट्स टू गेट हेल्प फ्रॉम देयर इन्वायरमेंट और ये हेल्प भी लोगों को कहाँ से मिली इन्वायरमेंट से ही मिली जब हवा चली तभी तो बीज उड़े थे लिविंग थिंग्स टेक मैनी थिंग्स फ्रॉम देयर एनवायरमेंट लिविंग थिंग्स जो होती है वो एन्वायरमेंट से बहुत सारी चीजें लेते हैं व्हाट इफेक्ट डज दैट हैव ऑन देयर एन्वायरमेंट वॉट इफेक्ट डज दैट हैव ऑन द इन्वायरमेंट और इन सब की वजह से हमारे एन्वायरमेंट पे क्या इफेक्ट होता है एनिमल्स लाइक वुल्चर्स एंड फॉक्सिस ईट द फ्लैश ऑफ डीड एनिमल्स वुल्चर्स मीन्स गिद एंड फॉक्सेस हिरन क्या खाते हैं लोग मरे हुए एनिमल्स का मांस खाते हैं दस दे क्लीन द एन्वायरमेंट वाइल्ड दे सेटिस्फाई देयर हंगर और जब वो लोग ये मरे हुए एनिमल्स का मांस खाते हैं तो उससे क्या होता है हमारा इन्वायरमेंट भी क्लीन होता है और उनकी हंगर उनकी भूख भी मिट जाती है रिमेन्स ऑफ डीड एनिमल्स डी के सॉइल और इन लोगों के खाने के बाद गीत और हिरन के खाने के बाद जो भी उनके डीड uh, एनिमल्स के बॉडी के पार्ट्स जो बचे हुए होते हैं वो क्या होते हैं जाकर सॉइल में मिट्टी में मिल जाते हैं ट्रीज और ट्रीज से झाड़ से जो पत्ते गिरते हैं नीचे वो भी क्या होते हैं? जमीन पे गिरने के बाद वो भी सड़ जाते हैं और वो मिट्टी में मिल जाते हैं दे टू रोट एंड गेट मिक्स इन द सॉइल दिस मेक्स द सॉइल फर्टाइल और इन सब के मिट्टी में मिलने से क्या बनता है फर्टाइल खाद बनती है प्लांट्स गेट नरिशमेंट फ्रॉम फर्टाइल सॉइल और ये जो फर्टाइल और ये जो खाद होती है इसका यूज क्यों किस में किया जाता है प्लांट्स को नरिशमेंट करने में उनको बढ़ाने के बढ़ाने के लिए फर्टाइल का यूज किया जाता है उनकी नरिशमेंट के लिए दोज लिविंग थिंग्स ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन नॉन लिविंग थिंग्स टू और ये जो लिविंग थिंग्स होती है वो नॉन लिविंग थिंग्स में चेंजेस लेकर आती है फॉर एग्जाम्पल जो स्टोन एक जगह पड़ा हुआ है तो वो वहीं पर रहता है जब तक ये कोई लिविंग थिंग उसे उठा कर एक जगह से दूसरी जगह ना लेके जाए डू यू नो क्या तुम लोगों को पता है अस बॉडी इज कवर्ड विथ वुल शिप की जो बॉडी होती है वो पूरी वुल से ढकी हुई होती है पूरी कवर होती है द शिप्स फीड्स ऑन लीव्स ऑफ श्रब्स और ये जो शिप होता है वो क्या खाता है पत्ते खाता है एज इट डीड्स ऑफ सम कैन गेट कॉट इन इट्स वुल और जब ये पत्ते खाने के लिए झाड़ियों में जाता होगा तब वहां पर वो झाड़ियों की जो बीज होती है ये सीड्स होती है वो सीड क्या होती होगी इसके वुल में फंस जाती होगी वेन द शिप गो समेर और जब वो शिप कहीं और जाता होगा तो दीड्स में फॉल ऑफ द एयर तो वो बीज क्या होती होगी वहां गिर जाती होगी दो द शिप हेल्प न्यू सीडलिंग ऑफ द श्राफ टू ग्रो इन मैनी डिफरेंट प्लेसेस तो उससे क्या होता होगा जब ये बीज कहीं और जाती है तो वो भी मिट्टी में मिल जाती होगी और उससे वहां पर नई जगह पर प्लांट ग्रो होते हैं इन दिस वे इसी तरह द शिफ विच इज एन एनिमल एंड द श्रफ विच इज अ प्लांट हेल्प इच अदर इसी तरह क्या होता है ये शिप और ये प्लांट ये क्या करते हैं एक दूसरे की हेल्प करते हैं वट वी हैव लर्न हमने क्या सीखा देर आर मैनी थिंग्स इन आवर इन्वायरमेंट हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारी चीजें होती हैं सम ऑफ देम आर लिविंग थिंग्स एंड सम आर नॉन लिविंग थिंग्स कोई लिविंग थिंग्स होती है और कुछ नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं लिविंग थिंग्स मीन्स जो मूवमेंट करती है और नॉन लिविंग थिंग्स जो मूवमेंट नहीं करती लिविंग थिंग्स कैन मूव ऑन देअर ओन लिविंग थिंग्स क्या होती है वो खुद से ही एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है लिविंग थिंग्स नीज फूड लिविंग थिंग्स को खाने की जरूरत होती है फूड हेल्थ जेम टू ग्रो और खाना जो है उनको बड़ा करने में उनकी हेल्प करता है लिविंग थिंग्स प्रीड्यूस यंग वंस लाइक देम सेल्स लिविंग थिंग्स जो प्रीड्यूस करते हैं यानी उनके जो बच्चे होते हैं वो भी उनकी तरह ही होते हैं लाइक like शिप अब जो उसका यंग वन होगा वो भी शिफ ही होगा हॉर्स उसका यंग वन भी हॉर्स ही होगा ह्यूमन बींग्स उनके यंग वन भी ह्यूमन बींग्स ही होते हैं लिविंग थिंग्स आर ऑफ टू काइंड प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग थिंग्स जो होते हैं दो तरह के होते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग थिंग्स गेट ऑल दैट दे नीड फ्रॉम देयर इन्वायरमेंट लिविंग थिंग्स को उनकी ज़रूरत का सारी चीज़ें कहाँ से मिल जाती है इन्वायरमेंट से लिविंग थिंग्स ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन नॉन लिविंग थिंग्स टू लिविंग थिंग्स जो होती है वो कोई भी चीज़ों को नॉन लिविंग थिंग्स को भी वो ईजीली चेंज कर सकती है ऑल थिंग्स इन द इन्वायरमेंट डिपेंड अपॉन ईच अदर और इन्वायरमेंट में जो भी चीज़ें होती है वो क्या होती है एक दूसरे पे डिपेंड होती हैं ऑलवेज रिमेंबर द नीड ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स आर फुलफ़िल्ड बाई थिंग्स इन देयर इन्वायरमेंट लिविंग थिंग्स की जो भी नीड्स होती है ज़रूरत होती है वो कहाँ से फुलफिल होती है इन्वायरमेंट से सच थिंग शुड नॉट बी अलाउड टू गो वेस्ट इसीलिए हमें कोई भी चीज़ों को क्या करना चाहिए वेस्ट नहीं करना चाहिए उसे बर्बाद नहीं करना चाहिए वी मस्ट टेक केयर दैट वी डू दैट वी डू नॉट कॉज हार्म टू द इन्वायरमेंट हम लोगों को क्या करना चाहिए उन सारी चीजों की टेक केयर करनी चाहिए उन लोगों को संभालना चाहिए और उन लोगों को कोई हार्म कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए यानी जो हम लोगों को इन्वायरमेंट से मिल रहा है उन चीजों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए